Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disease is caused by the mutation in the gene encoding structural proteins. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मार्फन सिंड्रोम है, डनलॉ सिंड्रोम है, इसके बाद जो है ना आगे भी है सिस्टिक फाइब्रोसिस वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो मार्फन सिंड्रोम क्या होता है, इसमें जो है ना ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है. ठीक है, और इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू का जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ना फिब्रिलिन, उसके जो है ना उसका जो जीन है ना वो म्यूटेट हो गया होता है. ठीक है, फिब्रिलिन वन की म्यूटेशन होती है उसके जीन में. तो जो ना इसमें आईज इफेक्ट होती हैं, हमारे सीवीएस इफेक्ट होता है, हमारा स्केलेटन इफेक्ट होता है, इसके अलावा लंग्स भी इफेक्ट होते हैं हमारे ये इसकी वजह से. अब नॉर्मली फिब्रिलिन का क्या काम होता है, फिब्रिलिन का ये काम होता है कि ये जो है ना हमारी जो कनेक्टिव टिश्यू में इलास्टिन की डिपोजिशन को मेंटेन कराती है, उसके इलास्टिन की डिपोजिशन कराती है. और दूसरा ये इसका काम होता है कि ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा को जो है ना सिक्वेस्टर करके रखती है ताकि एक्सेसिव ग्रोथ ना हो. अब ऐसा हो गया कि अब जो है ना हमारे इसमें फिब्रिलिन जीन की म्यूटेशन हो गई है, तो जो है ना फिब्रिलिन नहीं बन रही, तो इससे क्या होगा कि जो ना ट्रोपोइलास्टिन की जो डिपोजिशन है वो नहीं हो सकेगी, जिसकी वजह से जो टिश्यूज़ की इंटेग्रिटी है या टिश्यूज़ की जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाएगी. और ये इलास्टिन हमारा एओर्टा में होता है अबंडेंटली, हमारे लिगामेंट्स में होता है, इसके अलावा जो ओक्यूलर लेंस को जो हमारे सपोर्ट कर रहे होते हैं सीलीज और न्यूल्स उनमें होता है, तो इन सब में फिर हमारे जो है ना इफेक्ट आएंगे. अब जो इसका जीन है FBN1 जीन, उसमें म्यूटेशन होती है जो कि 15 क्रोमोसोम के ऊपर पड़ा हुआ है. और इसका एक बात यह है कि जो है डोमिनेंट नेगेटिव जो है ना फिब्रिलिन, म्यूटेंट फिब्रिलिन प्रोटीन डोमिनेंट नेगेटिव के तौर पे काम करती है. हमने डोमिनेंट जब पढ़े थे ना ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स, उसमें हमने ये भी पढ़ा था डोमिनेंट नेगेटिव क्या होता है, कि एक जो है ना म्यूटेंट फिब्रिलिन बाकी जो साथ वाली है उसकी चेंज होती हैं, उसके नॉर्मल चेंज उसके फंक्शन को डिसरप्ट कर देती है. ठीक है, तो इसके बाद जो है ना ये एक तो ये हो जाएगा कि इन सब भी इफेक्ट्स आएंगे और टारिगमेंट्स और जो है ना ओक्यूलर लेंसेज में चेंजेस आएंगे. और दूसरा ये कि जो है ना ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा को जो है ना सिक्वेस्टर कर रही थी ना, तो वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगा. जब वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगा ना तो एक्सेसिव ग्रोथ होगी. ठीक है, इसके बाद मॉर्फन सिंड्रोम टाइप 2 भी है और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा 3 की अगर जो है ना उसमें आइसोफॉर्म हो, इसकी वजह से भी जो है ना मॉर्फन सिंड्रोम टाइप 3 फिर बताई हुई है. लेकिन इनकी जो मैनिफेस्टेशन है वो क्लासिकल जो मार्फन सिंड्रोम है ना उससे जो है मिलते जुलते हैं. इसकी प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, बीटा एड्रिनर्ज ब्लॉकर्स दे के जो कि हमारे उसके बीपी वगैरह को कम करेंगे, और जो है ना एंजियोटेंसिन रिसेप्टर इनहिबिटर्स देंगे जो कि उसको टीजीएफ बीटा को इनहिबिट करते हैं. तो इस तरह जो है ना हम सीवीएस कॉम्प्लिकेशन से जो है ना कुछ हद तक जो है ना प्रिवेंट कर लेंगे, और टीजीएफ बीटा से जो है ना हम ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगे. ठीक है, टीजीएफ बीटा जब इनहिबिट होगा ना तब मॉर्फोलॉजी इसकी जो है ना इंपॉर्टेंट है. स्केलेटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, सीवीएस एबनॉर्मलिटीज़ हैं, और इसके बाद लंग्स वाली भी हैं वो इधर नहीं लिखी हुई. स्केलेटल एबनॉर्मलिटीज़ में जो है ना उसका इलोंगेटेड हैबिटस होगा, लाइक उसका बहुत बड़ा कद होगा, उसके हाथ पांव भी लंबे होंगे, और उसके जो है ना लेग्स हैं, उसके आर्म्स, उसके फिंगर्स भी जो है ना थिन होंगे और जो है ना लॉन्ग होंगे, जिसको एरेक्नोडैक्टाइल ही कहते हैं जिसको. ठीक है, इसके बाद जो उसका आर्च पैलेट होगा, उसके जॉइंट जो ना हाइपर एक्सटेंसिबल होते होंगे, उसकी जो स्पाइन है वो कर्व्ड होगी, काइफोस्कोलियोसिस होगा उसको, और उसकी जो चेस्ट है उसमें पैक्टस एक्सकवेटम और पिजन शेप जो ना डिफॉर्मिटी होगी. पैक्टस एक्सकवेटिंग में जो ना डिप्रेस्ड स्टर्नम होती है और पिजन शेप में बाहर को ज़्यादा निकली हुई होती है. ठीक है, इसके बाद जो ना ओक्युलर चेंज है, ओक्युलर चेंज में बायलेटरल डिसलोकेशन भी हो सकती है लेंस की, और जो ना सबलक्सेशन भी हो सकती है. ये क्यों होती है, सस्पेंसरी लिगामेंट जो है ना वीक हो गया होता है, मैंने बताया ना जो सीलीज और न्यूल्स है ना वो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं लेंस को, तो वो जो है ना जब वीक हो जाएंगे तो ये डिसलोकेट हो जाएगा लेंस. एक्टोपियल लेंटेस अगर बायलेटरल हो तो ये हाईली स्पेसिफिक है कि मार्फन सिंड्रोम है, मतलब ये तो एक कन्फर्म बताता है, स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करता है कि इस पेशेंट को ना मार्फन सिंड्रोम है. इसके बाद सीवियस कॉम्प्लिकेशन में क्या है कि जो ना इलास्टिक फाइबर्स की जो ना फ्रेगमेंटेशन होगी, जब इलास्टिक फाइबर्स जो है ना ट्यूनिका मीडिया में उनकी फ्रेगमेंटेशन होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ओल्टा जो है ना डायलेट करेगा, डायलेटेशन के बाद जो है ना उसमें जो है ना सिस्टिक मीडियो नेक्रोसिस हो जाएगी, लाइक उसके जो ट्यूनिका मीडिया है ना वो जो है ना डिजनरेट करेगी ट्यूनिका मीडिया, उस वजह से फिर उसको फर्दर जो है ना एनोरिज्मल डायलेशन हो जाएगी, लाइक एओर्टा में आउट पाउचिंग सी बन जाएगी और एओर्टिक डिसेक्शन हो जाएगी, लाइक एओर्टा जो है ना रप्चर कर जाएगा. इसके बाद है जी ये जो सिस्टिक मीटोनिक्रोसिस या सीवीएस ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ना, ये नॉर्मली हाइपरटेंशन और जो एजिंग के पेशेंट में भी पाए जाते हैं, तो इसके लिए जो है ना ज़रूरी नहीं है कि जो है ना अगर उसको ये सिम्टम्स हैं तो वो मार्फन सिंड्रोम ही हो उसको. इसके बाद फ्लॉपी वेल्व सिंड्रोम है, फ्लॉपी वेल्व सिंड्रोम जो स्पेशली मीटर वेल्व जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंसिबल हो जाते हैं और रीगर्गिटेशन स्टार्ट कर देता है, और ना इस वजह से मीटर वेल्व
हमारे जो लेफ्ट एट्रियम है उसमें जो है ना प्रोलैप्स कर जाता है, ठीक है, और इस वजह से फिर कार्डिक फेलियर हो जाएगा। इसके बाद जो है ना और कुछ खास नहीं है, बस ये समरी आप लोगों ने याद रख लेनी है इसमें, ठीक है, ये मॉर्फोलॉजी और जो है ना समरी से हो जाना है, बाकी अंदर से रीड ना करें तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ना फिब्रिनिन इनका म्यूटेट हो गया होता है जो कि स्ट्रक्चर इंटेग्रिटी के ज़रूरी है, और जो ना टीजीएफ बीटा को सिक्वेस्टर करती है ये, ठीक है। और इसमें जो क्लिनिकल फाइंडिंग है टॉल सूचर वगैरह लॉन्ग फिंगर सबलेक्जेशन ऑफ द लिमिटर वेल प्रोलैप्स वगैरह हो गया, और इसमें प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, टीजीएफ बीटा सिग्नलिंग को इनहिबिट कैसे कर सकते हैं हम और मे बी पी लोअरिंग ड्रग्स दें और टीजीएफ बीटा इनहिबिटिंग सिग्नल्स दें, तो वो हम कैसे देते हैं कि जो ना एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स दे देते हैं या फिर जो ना उसको बीटा ब्लॉकर्स देते हैं।